हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 1983 पीटीआई को बहाल करो, 1983 पीटीआई को बहाल करो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है नूह में और जिला सचिवालय के सामने कुछ टीचर्स हैं जो कि अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल 59 दिनों से चला आ रहा है धरना प्रदर्शन अभी तक सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, यानी कि ये लोग कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो कुछ लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं जब हम लोगों ने इन टीचरों से बातें की तो उन्होंने बताया कि 14 तारीख को जेल भरो आंदोलन होगा, या तो सरकार हमारी सुनवाई कर ले या फिर इसी तरीके से हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आखिरकार कौन लोग हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इसकी जानकारी हम जुटाएंगे सीधे इन्हीं लोगों से जानकर कि आखिरकार ये लोग चाहते क्या हैं, उनकी मांग क्या है। इसकी एक संस्था है जिसके अंतर्गत ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो है हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति। 1983 पीटीआई अध्यापक हैं जो कि न्याय की गुहार लगा रहे हैं। चलिए बिना देरी के बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को धरने पर बैठने पर मजबूर हो गए। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम टेकचंद है। अच्छा टेकचंद जी, क्या प्रॉब्लम है और मतलब किस मांग को लेकर के आप लोग धरने प्रदर्शन बैठे हुए हैं? सर आज हमें यहाँ पे धरने का 59वां दिन है और ये अनिश्चितकालीन धरना है। सर हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जिस तरीके से सरकार ने हमें एक आदेश पर 8 अप्रैल को हमें हटा दिया, हम चाहते हैं कि हमारी उसी तरीके से तुरंत बहाली हो। अच्छा क्यों हटाया गया आप लोगों? सर हमारे इस भर्ती प्रक्रिया में कोई खामियां नहीं थी, हमारी कोई गलती नहीं थी, खामियां थी एसएस बोर्ड की जिसने भर्ती करी थी। इसमें तो सिर्फ हमें एक मोहरा बनाकर हमारे ऊपर राजनीति करके आज हमें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है, जबकि सभी पीटीआई सारे डॉक्यूमेंट्स सभी के सही हैं, सभी कुछ कोई दोषी भी नहीं है कोई भी पीटीआई। सरकार के जजमेंट में कहीं ये नहीं कहा गया कि ये पीटीआई या इनके डॉक्यूमेंट्स ख़राब हैं या इन्होंने कोर्स नहीं किया है, कुछ भी दोष नहीं पाएगा। सिर्फ एसएस बोर्ड की गलती थी जिसने ये भर्ती करी थी और उसी के कारण आज हम यहाँ पर बैठे हैं। चलिए जब हमने टेकचंद जी से बातें की तो उन्होंने बताया कि एसएस बोर्ड की एक गलती की जो सजा है उसे पीटीआई टीचर्स भुगत रहे हैं। हाँ जी अभी आप बताते क्या बता रहे थे? सर मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि 2006 में जो विज्ञापन जारी हुआ उस समय 200 नंबर का हमारा टेस्ट होना था, 25 नंबर का इंटरव्यू था जो एचएस बोर्ड ने हमारे लिए विज्ञापन निकाला था। उसमें केवल एसएस बोर्ड की इतनी कमी रही कि उस इंटरव्यू को 25 नंबर से बढ़ाकर 30 नंबर का कर दिया। केवल इसी को आधार बनाकर सरकार की लापरवाही के कारण, कमजोर पैरवी के कारण हमारी इस भर्ती को जानबूझकर राजनीतिक के कारण इसको खारिज करा दिया। उसके आड़ में आज 1983 परिवार को रोड पर बैठा दिया। हालात घरों के सर इतने नीचे जा चुके कि हमें आज 2 टाइम की रोटी मुहैया कराना परिवार के लिए मुश्किल हुआ पड़ा है। हम इस घड़ी में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये सारे पीटीआई, ये प्रतांडित पीटीआई हैं, पीड़ित पीटीआई हैं, अपने दुख को लेकर बैठे। सर 59 दिन आज हो दिए, यहाँ पर कोई सुनवाई आज तक किसी भी अधिकारी ने, किसी भी मंत्री ने, सरकार ने अभी तक कान पर जू तक नहीं रेंगी है। इसी को लेकर हम आज इस पर बैठे हुए हैं और हमारा ये जो धरना है जब तक हमें हमारी नौकरी वापस नहीं करेंगे इसी प्रकार जारी रहेगा आगे तक, चाहे यहाँ पर 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे। लेकिन सवाल ये है कि जो पीटीआई टीचर्स आज धरने पर बैठे हुए हैं आखिरकार उनकी बातों को सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन परिवारों के सहारे छिन चुके हैं, जो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं, आखिरकार वो लोग टेस्ट कैसे देंगी, वो लोग पेपर कैसे देंगी? और पेपर नहीं होगा तो क्या वास्तव में सरकार उनका साथ नहीं देगी? लेकिन फिर सवाल वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि 59 दिन तो हो गए लेकिन कितने न जाने 59 दिन बीतेंगे, क्या वास्तव में सरकार इन लोगों की बातें सुन पाएगी या फिर इनके हक में न्याय दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी? सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं कि एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी वही टीचर हैं जो आने वाले भविष्य को तराशते हैं और उसके बाद में उन्हें एक ऐसा
जीवन बनाते हैं उनका, कि जिससे वो आने वाले भविष्य में हम सबका साथी और मजबूत बन सके। खैर, देखना ये होगा कि क्या वास्तव में सरकार इन पीटीआई टीचर्स की गुहार को सुन पाती है, क्या इन पीटीआई टीचर्स के दर्द को समझ पाती है, क्या इनको सही तरीके से इंसाफ दिला पाती है या नहीं दिला पाती है। तब तक के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफीद के साथ मैं रिजवान खान, भारत टीवी, मेवात नूह।